बताती हूँ कुछ अपने इस चैनल के बारे में। ये मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है। फर्स्ट यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। और ये जो चैनल है इस पर मैं अपने लॉन्ग फॉर्म्स पोस्ट करूँगी, मोस्टली लाइक डेली वीलॉग्स और डेली रूटीन्स, अच्छे मोमेंट्स एंड एवरीथिंग। मैं सब कुछ इस चैनल पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल एक्टिव रहूँ इस पे। अभी मम्मा को आता नहीं बनाने, तो आज मेरी खाला आई है और ये खाला मेरी बनाएगी चने का हलवा, बहुत ही मज़े का रहता है। तो बस ये हमारे घर में महीना दो महीना तो बनता नहीं है, क्योंकि मेरी खाला आएगी तो ही बनाएगी। कुछ चीज़ें मम्मी खाला पे छोड़ दी, इसके लिए कुछ चीज़ें पे याद करना पड़ता है कि खाला आ जाओ कुछ बना दो। तो बस मेरी खाला ने आज क्या करी है, चने की दाल को रात भर भिगो के रख दी थी। मम्मा को फ़ोन करी कि चने की दाल को भिगो के रख देना, मैं आ जाऊँगी तो मैं बना दूँगी। तो बस चने की दाल भिगो के रख दिए थे, अभी निकाल के उसको एक कढ़ाई के अंदर डाल दिए। उसके अंदर दो कप चाय वाला जो कप होता है वो डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे। इसके अंदर सारे YouTube का वीडियो हमने देखा है तो एक वीडियो पसंद आ गया, तो बस हम वो वीडियो का देख के बनाएंगे, क्या भरोसा अच्छा बन जाए। तो बस दूध में हल्का सा दूध रहने देंगे ताकि बस हमको पीसने में आसानी हो, पानी इसमें से नहीं पीसेंगे हम। तो बस ये चने की दाल अच्छे से पक गई थी, अब मम्मा ने गैस बुझा दी। बुझाने के बाद इसको सूखने का, ठंडा करने का इंतज़ार कर रहे थे। देखो दाल के अंदर कैसे थोड़ा थोड़ा सा दूध है, मतलब ये आसानी से पीस जाएगा। कितना बोलती हूँ ना मैं, तो ये मेरा मिक्सर में पीस गया, कितना मस्त सूखा सूखा पीस गया था। खुशबू तो बहुत आ रही थी क्योंकि मम्मा वीडियो बना रहे और मैं बोल रही हूँ और खाला मेरी रेसिपी बना रही है। तो ये पीस ली, बिना पानी के पीसना था, इसके लिए एकदम परफेक्ट हो गया था। अब एक कढ़ाई मिलेंगे, इसके अंदर भर के स्वाद अनुसार जितना डालना है घी डालो। मम्मा ने 5 चम्मच घी डाले थे, 5 चम्मच। अब इसके अंदर डाल के अच्छे से भूंज लेंगे। अब ये जो बेसन का जो हमने चने दाल का बनाए थे इनको भी भून लेंगे। मम्मा ना इसका ना लड्डू बहुत अच्छा बनाती हैं, मगर वो लड्डू और हलवे में थोड़ा डिफरेंट है, इसके लिए हलवा मेरी मम्मा से ना टूट जाता है। तो अब ये खाला बना रही है, शायद से टूटे ना। तो बस खाला इसे घी के अंदर अच्छे से भूंज लेगी। 10-15 मिनट भूंज के हो गया, तो ये भूंज के हो गया था एक साइड में, इसको बर्तन में निकाल देंगे। जब तक ये निकाल देंगे तो इसकी अभी चाशनी बनाना है। तो मैं खाला से पूछ रही थी, खाला हलवा ये बन के रेडी हो गया? तो खाला बोली नहीं, ये अभी बना नहीं है, इसकी अभी चाशनी बनाएंगे। तो बस अभी एक कढ़ाई में हमने वही बर्तन में चाशनी डाल दिए थे, तो डाल के शक्कर कितनी, 2 चम्मच शक्कर लिए थे, तो 1 चम्मच हम पानी डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे तेज़ आंच में, तब जब तक ये चाशनी बन नहीं जाती है, और थोड़ा मीडियम रहना चाहिए पानी के जैसा। तो बस ये दम शक्कर गल गई थी, उसके बाद काली मिर्च पाउडर डाल दिए, 2 चम्मच डालेंगे। अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लेंगे, जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान। शक्कर हरी इलायची अच्छे से मिक्स हो गई थी, अब इसके अंदर डाल देते हैं चने दाल का हलवा जो बना के रखे थे, इनको डाल देंगे। इसमें ये खासियत है कि पानी और हलवा ना जजमेंट बराबर होना चाहिए, वरना कभी गल जाता कभी कड़क हो जाता। मेरी किसी को बताना नहीं, मेरी मम्मा से कड़क हो जाता है या तो कभी ज़्यादा बनता है, क्योंकि मम्मा ने 2 बार बनाई, दोनों बार मम्मा का ख़राब हो गया। इसके लिए खाला को जल्दी से कॉल कर दी कि आ जाओ बना दो, तो खाला मेरी आ जाती और बनाना चालू कर देती है। और तो बस वो खाला ने मेरी शक्कर को चाशनी में अंदर डाल के इसको अच्छे से भूनने लगे, भूनते भूनते हाथ दुखने लगा, तो अब मुझे कहा, तो मैंने भी इतना अच्छा भूंजी कि घी इसके अंदर कम पड़ गया था। तो खाला ने घी डाल दिया अच्छे से और मेरे को भूनने बोली। चने की दाल में हलवा में ना बहुत भूनना पड़ता है, जब तक आप भूनते रहना है, जब तक ये कढ़ाई को साथ में छोड़ नहीं देता है। तो ये अच्छे से एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गया था। आप इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट, आप लोग को ऑप्शन पसंद है तो इसमें डाल सकते हो, मेरे हिसाब से ड्राई फ्रूट डालना चाहिए क्योंकि अपने को ताकत आती है।
ये मेरा हलवा बन गया। अब इसके वो ना एक थाली में घी डालेंगे लगाएंगे और उसके बाद एक प्लेट में अंदर डाल के इसको थप 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 करते रहेंगे। इसका अच्छे से सेट बना देंगे गोल। आप लोगों के पास चौकन है तो चौकन ले लो, जैसा लेना है ले लो, बस हमें काटने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने खाला को पहले ही बोल दी थी जब ये जम के बन जाएगा तो मैं काटूंगी। तो ये देखो इसके ऊपर भी खोपड़ा रख दिए ताकि मेरे वीडियो में शो हो जाए और मेरा चने का हलवा अच्छा बन जाए। तो मस्त फर्स्ट क्लास बन गया था। मम्मी ने इस बार भी हलवा देखे तो कहा कि अब इंशाल्लाह मैं ट्राई करती हूँ, अब अच्छे से देख ली ना अब मैं बना दूंगी। तो ये देखो मैं काट रही हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बन के ये हो गया था। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। तो ये रहा गाजर का, अरे चने दाल का हलवा खाला। थैंक यू, बड़ा मज़े की रेसिपी थी और आपने इंजॉय किया, हमने खाया और थोड़ा सा खाला को भी दिए घर ले जाने के लिए क्योंकि खालू का फेवरेट है। खाला तो बना के चली गई थी, अब उसके बाद का बर्तन मे को और मम्मी ने एक दूसरे को देखा, उसके बाद मे को देख के कहा कि अब तुम चलो शुरू हो जाओ बर्तन धोने का। ये थी मेरी लाइफ।